नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज़ में पूछा। एक नजर डालते हैं सुबह की हेडलाइंस पर। बाइक सवार बदमाशों ने ट्रक चालक के साथ की लूट मारपीट, करते हुए मोबाइल और 10,000 रुपए नकदी छीन कर हुए फरार। सिरमौर थाना क्षेत्र के चचाई पुल में बीती रात हुई घटना। चालक मुन्नीलाल यादव की शिकायत पर पुलिस ने शुरू की जांच। बाइक सवार बदमाशों ने युवक का रास्ता रोककर गाली गलौज करते हुए जेब से 110 रुपए छीने। शाहपुर थाना क्षेत्र के माजन मनुआ तालाब के पास हुई घटना। पीड़ित पुंडरीक प्रताप मिश्रा की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया मामला। आरोपियों की तलाश जारी। नईगढ़ी थाना क्षेत्र से 15 वर्षीय किशोरी का अपहरण। पुलिस अज्ञात बदमाशों के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज किया। जाँच शुरू कर हो रही है तलाश। घर का ताला तोड़कर घुसे बदमाशों ने सोने चांदी के जेवर और नकदी चुराया। चाकर थाना क्षेत्र के ग्राम कठोली निवासी वीरेंद्र सिंह के घर हुई चोरी की वारदात। सोने चांदी के जेवर सहित 15,000 रुपए नकदी सहित लाखों का सामान चुरा ले गए बदमाश। जन्मदिन की पार्टी में हवाई फायरिंग करने वाले आरोपी अजीत सिंह परिहार और उसके एक अन्य साथी के खिलाफ हुई कार्रवाई। आरोपियों के द्वारा अवैध तरीके से पिस्टल लेकर हवाई फायर करने का वीडियो सोशल मीडिया में हुआ था वायरल। वैकुंठपुर थाना क्षेत्र के पल्हान के रहने वाले हैं आरोपी। और शराब पीने के लिए पैसा ना देने पर आरोपियों ने की गाली गलौज, मारपीट। बीच बचाव करने पहुंचे लोगों के साथ की अभद्रता, जान से मारने की दी धमकी। पीछे थाना क्षेत्र के अंतर्गत लक्ष्मणपुर निवासी गणेश द्विवेदी के साथ दिलीप पटेल, संदीप पटेल, बुद्धा उर्फ बुद्धसेन पटेल और कालू पटेल ने की मारपीट। और शहर में तेजी के साथ विकसित की जाने वाली अवैध कॉलोनियों पर लगाई गई रोक। नगर निगम ने जिला पंजीयन को लिखा पत्र। आधा दर्जन अवैध कॉलोनियों के खसरा नंबर कराए गए उपलब्ध। सर्किट हाउस रेप कांड में फंसे संजय त्रिपाठी और फरार आरोपी विजय पटेल के मकान गिराने का कार्य जारी। ड्रिल मशीन के सहारे तोड़ा जा रहा है अवैध निर्माण। आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी का जोरदार स्वागत। सैनिक स्कूल में व्याख्यान माला के दौरान कैडेट को बताए अच्छे प्रदर्शन के गुर। सीएम हेल्पलाइन की ग्रेडिंग तय करेगी। अधिकारियों की समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने लापरवाही पर जताई नाराजगी। तहसील मुख्यालय हनुमना में टीएल पत्रों की जिला स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित। और जन समस्याओं को लेकर आम आदमी पार्टी करेगा धरना प्रदर्शन, बनाई गई रणनीति। सिरमौर विधानसभा क्षेत्र के जवा जनपद मैदान में होगी जंगी धरना प्रदर्शन। प्रदेश अध्यक्ष पंकज सिंह पटेल के नेतृत्व में किया जाएगा विरोध प्रदर्शन। दुकान में लगी भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। एजी कॉलेज मोड़ के समीप स्थित लकी इंटरप्राइजेस में हुई घटना। आग लगने के कारण अज्ञात दुकान में रखा पूरा सामान जलकर हुआ राख। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की संभावना। विश्वविद्यालय की भूमि की सीमांकन जारी। गायत्री नगर में कई अतिक्रमण चिन्हित। दर्जन भर मकान अतिक्रमण में पाए गए। 7 एकड़ में मिला कब्जा। विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा गठित की गई संयुक्त टीम के द्वारा लगातार सीमांकन का कार्य जारी। और शहर में तेजी से बढ़ रहे अवैध निर्माण पर आयुक्त ने जताई नाराजगी। वार्डों में उपयंत्री समयपाल चिन्हित करेंगे अवैध निर्माण। शहर के कई जगह शराब दुकानों का विरोध जारी। जबरदस्ती खुलवाई गई दुकानें। आंदोलनकारियों को पुलिस ने खदेड़ा। उर्राहट पीटीएस चौराहे पर पुलिस की मदद से शराब की दुकानें संचालित। और नकली पिस्टल लेकर दहशत फैलाने वाला युवक पकड़ाया। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के जय स्तंभ चौक में यातायात थाने में पदस्थ सूबेदार ने पकड़ कर किया स्थानीय पुलिस के हवाले। फटाफट खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज़। नमस्कार।